लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार विधानसभा का इलेक्शन और रिजल्ट आ गया और एनडीए को बहुमत मिला। उसी टाइम तय था कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी ये जेडीयू का दफ्तर देखिए, अभी नीतीश कुमार जहां राजभवन में शपथ ले रहे हैं, वहीं हम नीतीश जेडीयू दफ्तर में पहुंचे हैं। और ये जेडीयू दफ्तर के अंदर का नज़ारा देखिए, बस कुछ कुर्सियाँ लगी हैं मगर लोग कम हैं। आइए लोगों से जानेंगे, बातें करेंगे और पूछेंगे कि फिर से नीतीश कुमार और सातवीं बार जी उधर से फिर ओथ ले रहे हैं, क्या कहना है आपको? क्या कहना यही है कि फिर से हम लोगों का खुशी का माहौल है कि पुनः फिर सातवीं बार नीतीश कुमार जी ने सातवीं बार जी बिल्कुल खुशी का माहौल है। सभी लोग अभी राजभवन की ओर प्रस्थान किए हैं, हम लोग भी उधर जा रहे हैं। आप लोग भी जाइए जी जी। इधर शपथ ग्रहण चल रहा है और इधर देखिए जेडीयू दफ्तर, और यहाँ पर कुर्सियाँ ज़्यादा, लोग कम, क्योंकि यहाँ पर शपथ ग्रहण में ज़्यादातर लोग शामिल होने के लिए गए हुए हैं और जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। आइए, और भी लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा अरुणा सिंह नाम है जी। नीतीश कुमार सातवीं बार फिर से शपथ ले रहे मुख्यमंत्री बन रहे जी, बोलिए जी, क्या कहना है? अब और क्या कहना, हम लोग यही चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बने, बहुत खुशी है। हमने आवाज में बड़ी नमी है इसलिए नहीं, हम लोग महिला है तो बिहार की महिलाएं की आवाज ऊंची नहीं होती है। अच्छा, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, आवाज मधुर है, शोर ज्यादा होता है। नहीं, मधुर है हम लोग की आवाज, मधुर है। बस हम लोग खुश है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से विकास की जो रफ्तार पकड़ा है बिहार, वो तेजी के साथ और बढ़े। चलिए, तेज विकास की रफ्तार और तेज रफ्तार। तो यहाँ पर बैठी हुई हैं आप, राजभवन में पहुंचे हैं, वहाँ लिमिट में, वहाँ से वहीं से आ रहे हैं, वहीं से आ रही है, एक लिमिट है ना, एक जो लिमिट है वहाँ, और फिर जो लोग हैं वो यहाँ जेडीयू का दफ्तर, यहाँ अभी पूरा भरा हुआ था, प्लेट से। हाँ, इसी वक्त आएंगे जब राजभवन में नीतीश कुमार शपथ लेंगे तो जेडीयू दफ्तर के अंदर भी जो लोग होंगे उनके मन में क्या चल रहा है? बहुत खुशी है, आज बहुत खुशी का दिन है जी। इसलिए खुशी का दिन है कि पुनः मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सातवीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। और बिहार की जनता की यह अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर पुनः बने, फिर एक बार जो विकास की रफ्तार पटरी पर जो चल रही है वो तेज़ी से चले और हर तरह के लोग का मन चैन मिले, शांति मिले, न्याय के साथ विकास मिले, यही सोच थी। अच्छा, तो न्याय के साथ शांति और सबकी बात, ये जेडीयू दफ्तर का नज़ारा आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि राजभवन में वहाँ पर शपथ ग्रहण और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अब शपथ हो जाएगा क्योंकि वहाँ एक लिमिटेशन है कि इतने ही लोग हो सकते हैं, और जो लोग यहाँ हैं वो उस पल को एहसास कर रहे हैं जब फिर से नीतीश कुमार और सातवीं बार शपथ ले रहे हैं। तो जेडीयू दफ्तर का नज़ारा आपने देखा, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारी पूरी टीम जगह जगह से, राजभवन से लेकर बीजेपी दफ्तर तक, वहां पर है और आपको हर पल का अपडेट दे रही है। आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।